आपको हम दिस एंड दैट का प्रयोग करना सिखाएंगे। दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है और इसका प्रयोग नजदीक के लिए होता है। चलिए चलिए क्या बताया है, क्या क्या बोलिए, हमने क्या बताया है, बहुत अच्छा, क्या बताया है, बताओ क्या बताया, दिस का प्रयोग नजदीक के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज जैसे है एक्स है दूर है, इसके लिए आप क्या हुआ, किताब में देखेंगे देखेंगे कुल्हाड़ी जो है बहुत दूर है, दूर है ना। This is an apple. Apple कहाँ पर है? कहना नजदीक में दूर में? नजदीक में क्या प्रयोग करेंगे? This का प्रयोग करेंगे। Sit down, बहुत अच्छा। Clapping. अच्छा, चलिए आप बताइए। Scooter नजदीक में है, दूर में है? Scooter. किताब में देखो कहाँ दूर है, नजदीक में? क्या प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छा, शाबाश, क्लैपिंग स्टार्ट। क्या चलिए बताइए, एक पार्ट खड़े हो बताओ, एक पार्ट कहाँ पर, नजदीक में दूर में? एक पार्ट जो यहाँ पर किताब बना हुआ, एक पार्ट नजदीक में दूर में है? दूर है, गलत। तुम बताओ पास में, क्या प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे? सिट डाउन। चलिए अब बताएंगे सीमांत तेल, गांव कहां पर है, बुक में देखिए, नजदीक में दूर में? नजदीक में, नजदीक में है गांव, किताब में देखिए, पहले देखिए ध्यान से, किताब में गांव नजदीक में है दूर में है? क्या प्रयोग करेंगे, अब बताएंगे वो शुक्ला जी, हेलो जी, आप बताइए ऑन कहाँ पर है, नजदीक में दूर पर है? नजदीक। क्या प्रयोग करेंगे? दिस। दिस का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा, शाबाश, क्लैपिंग। बेटा क्या पांडे, स्टैंड अप। बर्ड कहाँ पर है, नजदीक पर है दूर में है? बर्ड नजदीक में दूर पर है? दूर पर है। क्या प्रयोग करेंगे? दैट का। बहुत अच्छा, क्लैपिंग स्टार्ट, वेरी गुड। चलिए अगला पढ़ना है बैलून, बैलून कहाँ पर है, आवाज, स्टैंड अप। बैलून कहाँ पर है, नजदीक में दूर पर? बस में क्या प्रयोग करेंगे, खड़े होइए, क्या प्रयोग करेंगे, दिस की दैट, दिस का। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अप्रिय भैया बहनो, स्कूल क्लास में दिस का और दैट का प्रयोग करने जाएंगे ना? यस सर। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग, दूर के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू।